इस दोनों का जो जो चक्कर चला, इस सारा चक्कर को लिख दिया कालिदास ने। पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था, कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेरी मिल्क दिया। इन दोनों में ही पुष्यमित्र सुंग जीत गया। दोनों में ही क्या हो गया, जीत गया। और दोनों ही लड़ाई इसने खुद नहीं किया, अपने बेटे अग्निमित्र को भेज दिया। किसे भेज दिया? अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? हेमंत। और अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? मिनंडर। लेकिन ये लड़ाई जीत के जब आ रहा था ना, तो इसका 2-4 महीना तक पते नहीं चला इसका बेटा कौन, अग्निमित्र, पते नहीं चला कहाँ गया इसका बेटा। अजब से टाइप का था, इधर उधर घूम रहा था, पता ही नहीं चला कहाँ। इसको डर लग रहा था पुष्यमित्र सुंग को कि हमारा बेटा मरा गया क्या यहाँ पे युद्ध में। असल में युद्ध के बाद जब आ रहा था ना, तो इसको प्रेम हो गया रास्ते में। लड़की का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालवी। आ इस जो कौन सी था? अग्निमित्र। इस दोनों का जो जो चक्कर चला, इस सारा चक्कर को लिख दिया कालिदास ने। पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था, कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेरी मिल्क दिया। इससे जो डेरी मिल्क अगर कोई लड़का खरीद रहा है ना, तो 90% संभावना है अपने लिए नहीं खरीद रहा है, समझा गया ने? लड़का सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पुराना है डेरी मिल्क। चलो ध्यान से देखो, सब CBSE वाला खाता है, नाश्ता में डेरी मिल्क खाएगा। सारा का सारा किताब में किसने लिख दिया? कालिदास। और किताबों को नाम लिख दिया मालविका अग्निमित्र। किताब का नाम क्या लिख दिया? मालविका। समझ में आ रहा है? तो मालविका अग्निमित्र में किसके प्रेम की चर्चा है? मालविका और अग्नि। इतिहास गवाह है ससुराई, प्रेम का चक्कर सदियों से चलते आ रहा है। बहुत खराब है ये चक्कर, समझा रहे ना बाबू भैया? बहुत खराब चक्कर है, इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। खैर, हमारे समझाने ना समझाने से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, सब समझ जाएगा, ये सब नहीं समझेगा सब आप लोग। चलो ध्यान से देखो, इकरा स्टडी से प्रेम करो, अपने करना बाबू भैया, स्टडी से प्रेम करो यार, दूसरे को समझा रहा है। देखो ये सब लाइन में, देखो भाई, प्रेम वरेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर सोच रहा, फिर उकरा हिम्मत होगा दूसरे का उठा के देखे मुंडी भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लेकिन यही है कि पहले लात खा जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, करियर भी जाएगा, टाइम भी जाएगा।